ले जी, पूजी तो तैयार हो गई, काशी जी बस गाड़ी लेकर आते ही होंगे। पता नहीं मेरा आज दिल नहीं चाह रहा हॉस्पिटल जाने का। क्यों क्यों दिल नहीं चाह रहा भाई? पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसे जैसे कि कुछ होने वाला हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप ऐसे वहम मत पालिए। और वैसे भी आपका रूटीन का चेकअप है, हो सकता है कोई डॉक्टर अच्छी खबर सुना दे। हाँ हाँ ठीक कह रही हैं आप, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अरे बेटा, अस्पतालों में कौन खुशी से जाता है, घबराहट ही हो गई। दादी आप भी शुरू हो गई, आप फूजी को हौसला दें, आप तो उनको डरा रही हैं। ऐसी बात नहीं है अनुषा, दादी शायद ठीक ही कह रही हैं। हॉस्पिटल जाकर इतना कुछ देख चुकी हूँ, इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर चुकी हूँ कि सोचकर भी डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं है, अगर ज्यादा खौफ महसूस कर रही हैं तो हम चलें आपके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आप ही जाएं इनके साथ। हमको तो पता है काशी का, वो तो डॉक्टर से बिल्कुल बात ही ना कर सकते। नहीं दादी, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है और आप अकेली कैसे रहेंगी। मैं काशी के साथ चली जाऊंगी, मैं हूँ ना, मैं बता दूंगी डॉक्टर को सारी बात। हाँ ये बात भी ठीक है, दादी को भी अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, बीपी हाई है इनका। तो बस ठीक है, तुम यहाँ दादी के साथ रहो, मैं और काशी चले जाएंगे। ठीक है चलो, जैसा तुम्हारा मर्जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शौकत, और आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। बस आप जल्दी से वापस आ जाएं, फिर इंशाल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस आप हिम्मत मत हारिएगा और अपना ख्याल बहुत रखिएगा। चलिए मैं फिर करती हूँ आपसे बात, अल्लाह हाफिज़। यू ओके? माशाल्लाह आप पहले से आप काफी बेहतर नजर आ रही हैं, और आपका बीपी भी नॉर्मल है इस वक्त। शुक्राना का। शुक्राना तो वाजिब है ही आप पर लेकिन उससे पहले आपको अपने शौहर का शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर नहीं देखा। क्या मतलब? भाई सीधी सी बात है, आजकल के दौर में तो शौहर अपनी बीवियों को छोड़ने के बहाने ढूंढते हैं, पर आपके शौहर ने इतनी बड़ी बात सुनकर भी माथे पर बल तक भी नहीं आने दिया। क्या मतलब? यही कि अब आप कभी मां नहीं बन सकती।